हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। यहां पर देख सकते हैं एक्सेल में यहां पर एक हमने मर्ज करा लिया है। ये कई सारी सेल्स हैं, इनको हमने मर्ज कराया है। और मर्ज कराने के बाद ये जो मार्कशीट लिखी हुई आ रही है, ये किस साइड आ रही है आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसे राइट में लेके जाना या लेफ्ट में लेके जाना है, सपोज कीजिए लेफ्ट में जाना है, तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, यहां पर क्लिक करेंगे तो राइट में चला जाएगा, और यहां पर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो अगर हमें इसे शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो क्या प्रेस करना होगा? तो अगर आप कहेंगे कि कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दीजिए, ये सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए कंट्रोल ई प्रेस करने पे ये सेंटर में नहीं आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये राइट में नहीं जा रहा है, ठीक है, सेलेक्टेड है ये। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट में नहीं जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, समस्या यहां पर है। तो अगर आपको सेंटर में करना है तो बड़ा ही आसान सा शॉर्टकट की है, आपको प्रेस करना है अल्ट, फिर प्रेस करिएगा एच, फिर प्रेस करिएगा ए, फिर प्रेस करिएगा सी। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अल्ट एच ए एल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा, और अल्ट एच ए और आर प्रेस करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, क्लियर है। तो ये शॉर्टकट की है एक्सेल में, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि यहां पर हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो या तो आप यहां से जाकर के बॉर्डर बनाइए, ऑल बॉर्डर करिए, ठीक है, लेफ्ट राइट जैसा भी बॉर्डर लगाना यहां से लगा सकते हैं आप। यहां पे क्लिक करेंगे बॉर्डर लग जाएगा, फिलहाल हमें बॉर्डर यहां से नहीं लगाना, शॉर्टकट की के थ्रू लगाना है। तो आपको प्रेस करना है अल्ट एच और बी, तो प्रेस करते ही आपके सामने ये बॉर्डर वाली डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है। अगर आपको बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो आप ओ प्रेस कीजिए, ठीक है। तो खाली चलिए ओ प्रेस कर लेते हैं। तो जैसे ही ओ प्रेस करेंगे तो ये बॉटम में बॉर्डर बन गया है, देख सकते हैं ये बॉटम में बॉर्डर आया हुआ है। चलिए एक बार इसको वापस से सिलेक्शन में लेते हैं, और सिलेक्शन में लेकर के फिर हम टॉप साइड में बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको सिलेक्शन में लिया कुछ इस तरीके से, और अब टॉप साइड में बॉर्डर बनाना है। आप खाली प्रेस कीजिए अल्ट एच बी, प्रेस कर दिया। अब टॉप में बॉर्डर बनाना है तो टॉप के लिए पी प्रेस करना है खाली, तो खाली पी प्रेस कर दीजिए। देखिए टॉप बॉटम में ऑलरेडी बनाया था, टॉप में बन गया है, ये बन गया है। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन में लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। सिलेक्शन में लेने के बाद फिर प्रेस कीजिए अल्ट एच बी, ठीक है। अल्ट एच बी प्रेस करने के बाद अब राइट में चाहिए लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट में पहले करते हैं। तो खाली एल प्रेस कर दीजिए, लेफ्ट में हो जाएगा। फिर अल्ट एच बी प्रेस करते हैं, अब मान लीजिए राइट में भी चाहिए तो राइट के लिए आर प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से आप कर देंगे तो ये बॉर्डर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी शॉर्टकट चीज आपको समझ में आई होंगी। आपको फॉर्मूला बार में जाना है तो आपको खाली अल्ट के साथ एम प्रेस करना है, एम, ठीक है। तो जैसे ही अल्ट एम करेंगे तो फॉर्मूला बार अपने आप ओपन हो जाता है, आपको जहां जाना है जा सकते हैं। अगर आप फंक्शन इंसर्ट कराना चाहते हैं, ऑटो सम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या प्रेस करना है आपको, अल्ट और एम प्रेस करना। जैसे मान लीजिए मैं ऑटो सम करना चाहता हूं, ठीक है, और हम किसी दूसरे जैसे होम टैब में है या कहीं और है, तो आपको खाली क्या करना है, इतना हिस्सा सिलेक्शन में ले लीजिए, यहाँ पे ऑटो सम होके आएगा। तो आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ एम, जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर आपको ऑटो सम के लिए यू प्रेस करना है, ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यू प्रेस करिए और यहां से एंटर कर दीजिएगा तो ये सम हो जाएगा। ये देखिए ये ऑटो सम होके आ गया है। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो आपको बताना था, तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।